नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके अंतर्गत पेपर अपना थर्ड है और इसके अंतर्गत अपन विद्यालय के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य है ना, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो वित्तीय प्रबंध विद्यालय व्यवस्था में जो प्रबंधन की जो आवश्यकता होती है और जिसके माध्यम से विद्यालय किसी की छवि एवं व्यवस्था को सुधार होता है और इसमें विद्यार्थी वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था से संबंधित होते हैं और इसके अंतर्गत जो वित्तीय जो प्रबंधन द्वारा विद्यालय की छवि सुधारने के लिए विद्यालय प्रमुख द्वारा प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना वित्तीय प्रबंधन का अनिवार्य तत्व है। फिर इसमें विद्यालय के जो उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है जिससे समस्त साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। फिर इसी के साथ में वित्तीय प्रबंधन का जो उद्देश्य विद्यालय के प्राप्त अनुदान का उचित एवं श्रेष्ठ विधि से उपयोग करना है और जिससे कि वित्तीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और इसी के साथ में वित्तीय प्रबंधन द्वारा विद्यालय के जो वित्तीय स्रोतों को खोज की जाती है और जिससे कि विद्यालय की वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। इसी के साथ में वित्तीय प्रबंधन का जो प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का वित्तीय तत्पूर्वक विद्यालय तथा लोक कल्याण के निहित संतुलन तथा सभी श्रेष्ठों में उपयोग करना है जिससे कि कम लागत में अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। इसी फिर वित्तीय प्रबंधन द्वारा विद्यालय में से जो समाज को जो भी आकांक्षा होती है उन्हें पूर्ण करने में सहायता मिलती है। अतः विद्यालय वित्तीय प्रबंधन द्वारा सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। इसी के साथ में जो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा जो विद्यालय व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करने पर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। अतः विद्यालय जो वित्तीय प्रबंधन का जो उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। फिर इसी के साथ में वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन के संबंध में विचार किया जाता है अर्थात समुदाय से अधिकतम धन प्राप्त करके उसका कुशलतम प्रयोग किया जाए और यह वित्तीय प्रबंधन की जो उचित अवधारणा है। वित्तीय प्रबंधन के जो माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए अनुदान निर्धारित करने तथा उसके प्रयोग में सहायता प्राप्त होती है और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से ही विद्यालय की संपत्ति की व्यवस्था की जाती है तथा उससे अर्जित धनराशि का सदुपयोग किया जाता है। तो ये विद्यालय के संबंध में जो वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य हैं, इसी के साथ में अपना वित्तीय प्रबंधन की जो आवश्यकता है उसके उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन की जो आवश्यकता, इसके अंतर्गत जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए जो जनता का शिक्षित होना अति आवश्यक है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने सदैव
सी प्रयत्नशील है परंतु इस दिशा में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है और इसका प्रमुख कारण आर्थिक रूप से सार्वजनिक वित्त का अभाव है और शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए शैक्षिक वित्त व्यवस्था का नियोजन करना अति आवश्यक है और शैक्षिक वित्त व्यवस्था पर प्रकाश डालने से पहले इसमें जो निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्था की जो आवश्यकता है उसके बारे में देख लो। इस पर जो पहला है अपना किसी विद्यालय में शिक्षक के स्तरों सभी स्तरों पर कुल कितनी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी और कितनी वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। फिर सेकंड इसी के साथ में विद्यालय के पास तत्कालीन समय में शिक्षा के लिए कितना वित्त कोष सुरक्षित है इसी के साथ में था रहे अपना शिक्षा के विस्तार के लिए कितना धन व्यय किया जाए फिर आता है और इसी के साथ में आय के संबंध के जो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं कि प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय कितना है आवश्यकता है उसके बारे में बताए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। विद्यालय के संबंध संदर्भ में जो वित्तीय प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं और वित्तीय जो प्रबंधन की जो आवश्यकता है उसके बारे में अपन अध्ययन किए हैं। इसको एक बार अच्छे से आप देख लेना। कक्षा को अच्छे करने के लिए और ध्यान सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।